हेलो गाइस, तो देखिए हम आपसे बात कर रहे थे पेनक्रियाज और हार्ट में के ऊपर। तो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको पूरा ओवरव्यू बताया था कि पेनक्रियाज हेड नेक बॉडी टेल राइट टू लेफ्ट, एंड हमने पूरे के पूरे हेड की और हेड को 3 पॉइंट में पढ़ना है और पूरे के पूरे हेड के रिलेशंस की बात कर ली थी। उसके बाद हमने आपको नेक नेक को 2 पॉइंट में पढ़ना है और पूरे के पूरे हमने आपको नेक के रिलेशंस की बात कर ली थी कि नेक में 2 बॉर्डर 2 सरफेस होती है, तो ये कहाँ किससे रिलेट होती हैं। अब देखिए इन दिस वीडियो, उसके बाद देखिए नेक के बाद हमने आपको बताया था ये डायग्राम कि हमें अगर पेनक्रियाज के रिलेशंस याद रखने हैं तो हमें ओनली ये एक ही डायग्राम दिमाग में रखना है। बेसिकली हमने 2 डायग्राम ड्रॉ कराए थे, एक ये वाला ड्रॉ कराया है, एक ये वाला ड्रॉ कराया है, बट ये पूरा डायग्राम इसी में इंक्लूड है। तो आप इस डायग्राम को दिमाग से निकाल दीजिए, आपको बस ये डायग्राम ही दिमाग में रखना है। ओके, तो अभी तक हमने टोटल 3 पेज के अंदर ड्रॉ किया था। एक तो हो गया ये पूरा का पूरा ये वाला, एक हो गया नेक वाला, एंड एक पूरे के पूरे पेनक्रियाज रिलेशंस को याद रखने के लिए कॉमन डायग्राम। अब देखिए इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे बॉडी की कि बॉडी के रिलेशंस क्या क्या होते हैं। ओके, तो देखिए वही हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि देखिए मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे 2-3 पेज मतलब बहुत सारे पेजेस के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पे बड़ा बड़ा कैपिटल लेटर लिखने पड़ते हैं, इसीलिए पेज ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। बट आपको ओनली ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है, ओनली ऐसे एक पेज के अंदर ही पूरे हेड नेक बॉडी टेल सारों को एक साथ लिखना है ताकि आप एग्ज़ाम टाइम स्पीडली रिवीजन कर सकें। ओके, तो आते हैं बॉडी ऑफ पेनक्रियाज के रिलेशंस के ऊपर। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा यूँ हार्ड नहीं है। तो बॉडी ऑफ पेनक्रियाज रिलेशंस, ये हमारा पेज, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बॉडी, बॉडी ऑफ पेनक्रियाज के रिलेशंस। ओके, तो बेसिकली हम ये हो गया। ओके, अब देखिए बेसिकली हमने नीचे देखिए बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि बेसिकली अगर हम बॉडी पार्ट ऑफ पेनक्रियाज का क्रॉस सेक्शन लें तो दिस इज ट्रायंगुलर दिखता है। ट्रायंगुलर मतलब 3 बॉर्डर 3 सरफेस। अबे ओके, अब बेसिकली देखिए 3 बॉर्डर 3 सरफेस, तो ओके, तो यहाँ क्या है बॉडी में 2 पॉइंट्स, दिस इज ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन एंड 1 प्रोसेस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। अब बेसिकली हम इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये ट्रायंगुलर दिखेगी। तो ट्रायंगुलर कैसे दिखेगी उसको हम यहाँ थोड़ा दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए अजूम कीजिए जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया है उसमें ट्रायंगुलर कुछ ऐसा बनाइए, दिस इज ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। अब बेसिकली हमें क्या बताना है, 3 बॉर्डर 3 सरफेस। तो बेसिकली ये क्या होगा, दिस इज इंटीरियर बॉर्डर, ये क्या होगा दिस इज सुपीरियर बॉर्डर, एंड ये क्या होगा दिस इज इन्फीरियर बॉर्डर। ओके, तो दीज आर 3 बॉर्डर। तो बॉडी का फर्स्ट पॉइंट क्या था, ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन 3 बॉर्डर 3 सरफेस। तो बेसिकली मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 बॉर्डर। 3 बॉर्डर कौन से होंगे, एंटीरियर सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो 3 बॉर्डर आर एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, एंड एक होता है हमारे पास इन्फीरियर बॉर्डर। ओके, तो दीज आर द 3 बॉर्डर्स, और बेसिकली क्या होगी 3 सरफेस होगी। अब जो 3 सरफेस होती है वो कौन सी होती हैं, देखिए एक सरफेस होगी ये वाली सुपीरियर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच, एक होगी ये वाली, एक होगी ये वाली। तो जो ये सरफेस होती है इसे क्या बोलते हैं, दिस इज एंटीरियर सरफेस। ये सरफेस होती है इसे क्या बोलते हैं, दिस इज इन्फीरियर सरफेस। और बेसिकली इसे क्या बोलेंगे, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। ओके, तो बेसिकली ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन इसके 2 पॉइंट्स होंगे, 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस। 3 सरफेस कौन सी होगी, एंटीरियर इन्फीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर एक होगी हमारे पास पोस्टीरियर और एक होगी हमारे पास इन्फीरियर। ओके, तो देखिए इन 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 इन 6 पॉइंट के अंदर हम आपको पूरी की पूरी बॉडी और पेनक्रियाज के पूरे रिलेशंस को बताएंगे। ओके, एंड देन सेकंड पॉइंट क्या था इसका, होता है 1 प्रोसेस। ओके, तो ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन, देखिए ना दो ही तो थे,
ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन इन वन प्रोसेस, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वन प्रोसेस। तो वन प्रोसेस का नाम क्या है? ट्यूबर ओमेंटेल। ओके तो देखिए अभी हमें यहाँ पे पूरा का पूरा इन सिक्स पॉइंट को पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करूँगा, एंड देन पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करने के बाद इस सारी थ्योरी को मैं ओनली इसी डायग्राम से कवर करूँगा। हमने बोला था ना कि सारे रिलेशंस को हम इसी डायग्राम से पढ़ेंगे, तो पहले पूरा एक साथ थ्योरेटिकल लिख देते हैं ताकि फिर इसको एक्सप्लेन करने में हमें बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम ना आए। ओके तो आते हैं, अब आते हैं रिलेशंस में कि एंटीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर के लिए आपको बस एक लाइन याद रखनी है, वो लाइन क्या है? दिस इज प्रोवाइड अटैचमेंट, दिस इज प्रोवाइड अटैचमेंट टू रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। तीन होती है ना, एक होती है असेंडिंग, एक होती है ट्रांसवर्स, एक होती है डिसेंडिंग। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स मीजोकोलोन की। ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, ओके। तो दिस इज ये एक लाइन याद करनी है इसके लिए, एंड उसके बाद सुपीरियर की सुपीरियर बॉडी में क्या लाइन याद करनी है, इसके लिए भी एक लाइन है। मतलब तीनों के लिए एक एक लाइन है, इसके लिए भी एक लाइन, इसके लिए भी एक लाइन, इसके लिए भी एक लाइन। तो जो नीचे वाला है इसके लिए एक लाइन क्या है, वो ये है कि दिस इज रिलेटेड टू, रिलेटेड टू सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक मतलब आपको पता होगा ना, एब्डोमिनल अल्टा से तीन निकलती है, ये एंट्री सॉरी एब्डोमिनल अल्टा से आगे से तीन निकलती है। आगे से तीन कौन से? सीलिएक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो सीलिएक ट्रंक बोल दीजिए या बोल दीजिए दिस इज द ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। ओके ये हो गया एन के आएगा यहाँ पे ट्रंक। ओके तो देखिए जो सीलिएक ट्रंक होती है ये कहाँ होती है, हमने आपको यहाँ डायग्राम से बताया था कि देखिए ये क्या है, दिस इज ट्यूबर ओमेंटेल। ट्यूबर ओमेंटेल के जस्ट ऊपर क्या होती है? सीलिएक ट्रंक। तो अभी बताएंगे, देखिए डायग्राम को पूरा करेंगे। तो सीलिएक ट्रंक कहाँ होती है? दिस इज जस्ट ओवर, मतलब ओवर ट्यूबर ओमेंटेल। देखिए ना ट्यूबर ओमेंटेल, ओके इसीलिए मैंने रेड से लिखा है क्योंकि दिस इज ब्लड सप्लाई। ओके ट्यूबर ओमेंटेल और बेसिकली ट्यूबर ओमेंटेल होगा। ओके एंड बेसिकली ये हो गया। इन्फीरियर में क्या याद रखना है? इन्फीरियर के लिए भी एक और पॉइंट, दिस इज रिलेटेड टू सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। एट राइट एंड, देखिए बहुत सिंपल था यार, देखो तीनों को देख लेते हैं इस डायग्राम से। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? एंटीरियर बॉर्डर। देखिए दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, प्रोवाइड अटैचमेंट टू रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। देखिए हमने यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दो लाइन ड्रॉ की है, एक ग्रीन ये की है, एक ग्रीन ये की है। ये क्या है? दिस आर रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, मतलब यहाँ पे रूट ऑफ ट्रांसवर्स मीजोकोलोन होती है, मतलब कि ट्रांसवर्स मीजोकोलोन और यहाँ पे क्या होगी? ट्रांसवर्स कोलोन। ये क्या है? दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन, मतलब ट्रांसवर्स कोलोन हमारे पेनक्रियाज से किससे अटैच है? ट्रांसवर्स मीजोकोलोन से। ट्रांसवर्स कोलोन पेनक्रियाज से किसके थ्रू अटैच है? ट्रांसवर्स मीजोकोलोन के अटैच। और बेसिकली ट्रांसवर्स मीजोकोलोन पेनक्रियाज में कहाँ अटैच है? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ पेनक्रियाज से। ओके तो ट्रांसवर्स मीजोकोलोन एंटीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ पेनक्रिया से अटैच होती है, और बेसिकली दिस इज ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, ये अटैच करती है ट्रांसवर्स कोलोन को हमारी पेनक्रिया से। सुपीरियर दिस इज, देखिए दिस इज ट्यूबर ओमेंटेल, ये क्या है ना ट्यूबे वाला ट्यूबर ओमेंटेल है, यहाँ पे बाहर है, और ट्यूबर ओमेंटेल के जस्ट ऊपर क्या होती है? सीलिएक ट्रंक। ओके तो यहाँ इसके लिए भी बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि ट्यूबर ओमेंटेल मतलब सीलिएक ट्रंक। आपको ये वाला नाम जहाँ भी दिख जाए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक दिस इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अवोल्टा। एब्डोमिनल अवोल्टा की 10 ब्रांचेज में से एक ब्रांच होती है सीलिएक ट्रंक या फिर ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। इन्फीरियर दिस इज रिलेटेड टू सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। देखिए हेड नेक बॉडी, ये क्या है? बॉडी पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। अब बॉडी के जस्ट नीचे क्या है? देखिए ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये क्या है दोनों के दोनों? दिस इज सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, दिस इज सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ओके
तो जो बॉडी का राइट वाला है, देखिए इतनी बड़ी बॉडी है, अब बॉडी में भी यार सुपीरियर मीजेंटिक वेसल्स कहाँ है, मैक्सिमम राइट साइड है ना, इतनी बड़ी बॉडी है तो राइट साइड है। ओके, तो राइट साइड क्या होती है, नीचे की साइड मतलब कि ना इन्फीरियर बॉडी में राइट साइड क्या होती है, सुपीरियर मीजेंटिक वेसल्स। एट राइट एंड, क्या लिखा है यहाँ पर, राइट एंड। राइट एंड मतलब देखिए ना, दिस इज राइट एंड, राइट एंड ऑफ बॉडी, लेफ्ट एंड ऑफ बॉडी, तो हो गई ये वाली। उसके बाद आते हैं सरफेस पे, तो देखिए सरफेस को भी हमें ईच के 2 पॉइंट दिमाग में रखने हैं, मतलब कि जो एंटीरियर सरफेस होती है दिस इज कवर बाय पेरिटोनियल, कवर बाय पेरिटोनियम। ओके, एंड सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका, इसका सेकंड पॉइंट होगा लेसर सेक। देखिए अभी हम सारा एक्सप्लेन करेंगे आपको पूरा का पूरा। एंड एक याद रखना है स्टमक, पहले पूरी थ्योरेटिकल लिख देते हैं, ये हो गया। उसके बाद पोस्टीरियर के लिए, इसके लिए भी 2 पॉइंट्स, सबसे पहला वाला होगा दिस इज डिवोइड पेरिटोनियम। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पेरी मतलब पेरिटोनियम। ओके, मतलब पोस्टीरियर सरफेस, इसमें पेरिटोनियम नहीं होती है। और इसका सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, उनका सीक्वेंस मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक होती है ओवोल्टा, मतलब पोस्ट, देखिए ना हमने बताया था पीछे क्या होती है, ओवोल्टा होती है, तो बॉडी ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ पैनक्रियाज के पीछे क्या मिलती है आपको, ओवोल्टा विद ओरिजन ऑफ सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, सेकेंड पॉइंट लेफ्ट किडनी, मतलब लेफ्ट किडनी मतलब इसके सारे सामान आएंगे, लेफ्ट किडनी से क्या क्या रिलेटेड होती है, मतलब लेफ्ट किडनी आई तो क्या आएगी, लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड, लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड आएगी, अगर लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड आए तो क्या आएगा, लेफ्ट क्रश ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट क्रश ऑफ डायफ्राम। ओके, एंड अगर लेफ्ट क्रश ऑफ डायफ्राम आ गया तो बेसिकली क्या आएगी, किडनी में कौन होती है, रीनल वेसल्स, तो लेफ्ट रीनल वेसल्स। एंड लास्ट एंड फाइनल क्या आएगी, लेफ्ट साइड क्या होती है, स्प्लीन, बेसिकली यार हेड नेक बॉडी टेल, टेल बेसिकली पेनक्रियाज की टेल कहाँ होती है, स्प्लीन में ही तो होती है, जब आप स्प्लीन के पढ़ते हैं पेरिटोनियल रिलेशंस तो बेसिकली उसमें स्प्लीन का ही मिलता है। ओके, तो क्या होगी, बेसिकली स्प्लीन भी लेफ्ट साइड होती है, तो क्या होगी, स्प्लीनिक वेसल्स या फिर स्प्लीनिक वेन। देखिए अभी पूरा का पूरा हम डायग्राम से कर देंगे आपको, स्प्लीनिक वेन। ओके, एंड लेफ्ट रीनल वेन। ओके, तो ये हो गया। तो देखिए इसके अंदर मैंने 5 कितनी हुई है, 6 चीज़ें बताई है। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट में याद रखनी है, इसमें 2, इसमें 6। एंड देन इन्फीरियर, इसके लिए क्या याद रखनी है, दिस इज कवर बाय पेरिटोनियल, पेरिटोनियम, तो कवर बाय पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम से कवर होती है। एंड इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट में इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है, वो होता है ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्सर, ड्यूडिनो जेजुनल। ओके, ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्सर, सेकंड होगा हमारे पास कॉइल्स ऑफ जेजुनम, एंड थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा हमारे पास लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। ओके, तो देखिए हमारा पूरा थ्योरेटिकल कंप्लीट हो गया, अब आते हैं डायग्राम पे, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। अब यार आप दिमाग लगाइए, ये ट्रायंगुलर है, हमने आपको यहाँ पे एक डायग्राम बताया था, आपको पता हो तो आपको सोचिए, देखिए कि बेसिकली ये क्या है, ये है। ओके, अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगी, एंटीरियर सरफेस, नीचे क्या होगी, नीचे होगी इन्फीरियर सरफेस, अब बेसिकली एंटीरियर इन्फीरियर, देखिए एंटीरियर इन्फीरियर दोनों के दोनों कवर बाय पेरिटोनियम है, देखिए ना एंटीरियर इन्फीरियर, जबकि पीछे की साइड कोई भी पेरिटोनियम नहीं होती है बॉडी और पेनक्रियाज में। ओके, सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो आगे भी पेरिटोनियम है, पीछे भी पेरिटोनियम है, सॉरी नीचे भी पेरिटोनियम है, बट पीछे कोई पेरिटोनियम नहीं है, तो ये दोनों तीनों रेड रेड वाले मैंने कवर कर दिए। आते हैं एंटीरियर में, तो एंटीरियर साइड क्या होता है हमारा, लेसर सेक, तो लेसर सेक को हम देखते हैं, अभी रुको। तो देखिए यह क्या लिख रहा है,
एंटीरियर साइड क्या होगा, स्टमक एंड लेसर चेक। तो देखिए ये मैंने पॉइंट आपको इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर दिया था। देखिए ये कुछ है, यहाँ देखिए देखिए ये क्या है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के आगे क्या है, लेसर चेक, लेसर चेक के आगे क्या है, स्टमक। ओके तो वही तो लिखा है, देखिए ना राइट लेफ्ट एंटीरियर पोस्टीरियर, ये क्या है, हम इसे ऊपर से देख रहे हैं। तो सबसे आगे स्टमक होगा, देन लेसर चेक होगा, दिस इज एंटीरियर वाल ऑफ लेसर चेक, दिस इज पोस्टीरियर वाल ऑफ लेसर चेक एंड देन पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज के आगे होगा लेसर चेक एंड स्टमक। ओके मतलब बॉडी ऑफ पेनक्रियाज के आगे, तो देखिए वही लिख रखा है, लेसर चेक एंड स्टमक, हो गया क्लियर। अब आते हैं पोस्टीरियर साइड कि हमें बेसिकली हमारी पेनक्रियाज के बॉडी के पीछे के साइड क्या क्या मिलेंगे। तो आपको डायग्राम पे सब कुछ क्लियर हो रहा है, बस डायग्राम में जो दिख रहा है वही यहाँ लिखना है, मैंने रट के नहीं लिखा है। अगर मेरे दिमाग में डायग्राम है इसीलिए मैंने सब कुछ लिख दिया। कैसे, देखिए दिस इज बॉडी ऑफ पेनक्रियाज, ये पूरी बॉडी तो है, बॉडी के पीछे क्या है, अवोल्टा, देखिए अवोल्टा है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है, लेफ्ट किडनी, देखिए दिस इज लेफ्ट किडनी, यहाँ तक बॉडी तो है। देखिए टेल तो इतनी सी होती है, ये जितना भी टेल का पोर्शन होता है वह दिस इज रिलेटेड टू स्प्लीन। उसके बाद जो बॉडी वाला पोर्शन है वो भी किडनी से रिलेट होता है, और आपको पता होगा किडनी पीछे ही होती है, तो लेफ्ट, अब बेसिकली किडनी कौन सी होगी, लेफ्ट ही होगी ना, राइट टू लेफ्ट। ओके हमने पढ़ा था ना, देखिए ना कि राइट टू लेफ्ट डिवाइड करते हैं, मतलब बॉडी वाला मैक्सिमम पोर्शन कहाँ होगा, लेफ्ट साइड होगा, इसीलिए लिखा है लेफ्ट किडनी। अगर लेफ्ट ही किडनी है तो लेफ्ट ही सुप्रा रीनल ग्लैंड होगी, लेफ्ट ही सुप्रा रीनल ग्लैंड है तो डायफ्राम भी कौन सा होगा, लेफ्ट, लेफ्ट क्रश वाला डायफ्राम का भी लेफ्ट ही क्रश होगा अगर डायफ्राम। ओके उसके बाद लेफ्ट किडनी है तो वेन भी कौन सी होगी, लेफ्ट रीनल वेसल्स, मतलब आर्टरी और वेन्स, ये देखिए ना अवोल्टा है, इसी से ही तो रीनल आर्टरी जाएगी इसके अंदर, और यहीं से रीनल वेन्स बेसिकली इन्फीरियर वेना कावा के अंदर ड्रेन करेगी। ओके तो रीनल वेसल्स एंड स्प्लीनिक वेन, स्प्लीनिक वेन कैसे, देखिए दिख ही रहा है यहाँ पे, हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, देखिए सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन SMV दोनों की दोनों मिलकर क्या बनाती है, पोर्टल वेन। ओके तो स्प्लीनिक वेन एंड दिस इज सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड दोनों मिलकर बनाए पोर्टल वेन, और डॉटेड मतलब कि बेसिकली ये कहाँ पे हैं, ये हमारे मतलब पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट हैं। ओके ये हो गया, तो हमने पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 देखिए बस पूरा आपको दिमाग में रखना है ये डायग्राम, ये जितनी भी मैं थ्योरी लिख रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम आ गया ना, आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो सारी थ्योरी आपकी बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगी, पूरे रिलेशंस ऑफ पेनक्रियाज का पूरा मतलब पूरा का पूरा ओवरऑल इसी डायग्राम के अंदर है। ओके उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने बताया था इन्फीरियर साइड क्या होती है, ड्यूडिनल जेजुलर फ्लेक्चर। ओके अब देखिए यार ये पूरा बॉडी पार्ट है, हेड नेक बॉडी टेल, अब ये बॉडी पार्ट है यहाँ पे पूरा, तो यहाँ पे क्या होती है असेंडिंग कोलोन, अज्यूम कीजिए ये क्या है असेंडिंग कोलोन है। अब बेसिकली ये क्या है, दिस इज ट्रांसवर्स मेजो कोलोन, यहीं पर तो ट्रांसवर्स मेजो कोलोन होगी, सॉरी ट्रांसवर्स कोलोन होगी, ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद क्या होती है ट्रांसवर्स मेजो कोलोन एंड फिर ट्रांसवर्स मेजो कोलोन। हाँ तो देखो इधर कोलोन के तीन पार्ट ऐसे होते हैं, दिस इज असेंडिंग कोलोन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन एंड दिस इज डिसेंडिंग कोलोन। ओके और देखिए अब हम फोकस करेंगे ट्रांसवर्स कोलोन पे, तो देखिए ट्रांसवर्स कोलोन होती है और ट्रांसवर्स कोलोन दिस इज अटैच टू एंटीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ पेनक्रियाज, यहाँ लिखा ना देखिए ना एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज प्रोवाइड अटैचमेंट टू रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेजो कोलोन। ओके तो ट्रांसवर्स मेजो कोलोन क्या होती है, देखिए ट्रांसवर्स मेजो कोलोन कुछ नहीं होती है, फेमिकोल है, मतलब ट्रांसवर्स कोलोन को एंटीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ पेनक्रियाज से कौन अटैच करती है, ट्रांसवर्स मेजो कोलोन, मतलब ट्रांसवर्स मेजो कोलोन एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पेनक्रियाज को अटैच करती है ट्रांसवर्स कोलोन से, दोनों के बीच का काम कौन करती है, ट्रांसवर्स मेजो कोलोन। और बेसिकली तीन पार्ट कौन से होते हैं कोलोन के, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। ओके तो ये हो गया, तो देखिए हम यही बता रहे थे कि कवर्ड बाय पेरिटोनियम हो गया, ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्चर। अब ये ड्यूडिनो जेजुनल फ्लेक्चर क्या है यार, कॉमन सी बात है यार, देखिए ये क्या है ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के बाद क्या होती है जेजुनम। ओके ड्यूडिनम के बाद जेजुनम होती है ना, अब देखिए यार ये क्या है इन्फीरियर बॉर्डर, हम इन्फीरियर की बात कर रहे हैं तो दिस इज द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ पेनक्रियाज, बॉडी ऑफ पेनक्रियाज। अब बेसिकली ड्यूडिनम यहाँ से देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, दीज आर द फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, इसके बाद क्या होगी जेजुनम होगी। तो ड्यूडिनम जैसे ही जेजुनम में ड्यूडिनम जैसे जेजुनम बनाती है तो वहाँ पे एक एंगल होता है, ड्यूडिनम टू जेजुनम एक एंगल होता है, उसी एंगल को क्या बोलते हैं फ्लेक्चर। ओके तो कर्वेचर बोल दीजिए, एंगल बोल दीजिए, उसे बोलते हैं फ्लेक्चर। हाफ फ्लेक्चर को कोलोन में पढ़ते हैं, राइट कोलिक फ्लेक्चर, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, हाफ फ्लेक्चर को कोलोन में पढ़ते हैं। एंड तो यहाँ पे क्या होता है ड्यूडिनम टू जेजुनम बीच में फ्लेक्चर होता है, तो देखिए इन्फीरियर सरफेस, सॉरी यस दिस इज इन्फीरियर सरफेस, यहाँ पे क्या है
ड्यूडिनो जेजुनम फ्रैक्चर, ड्यूडिनम तो जेजुनम, कोयल्स ऑफ जेजुनम, कॉमन सी बात है यार, जब ड्यूडिनो जेजुनम फ्रैक्चर है तो यहाँ पे जेजुनम्स की कोयल्स भी होगी, कॉमन सी बात है ना। एंड लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर, कॉमन सी बात है, लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर कैसे है, देखिए दिस इज असेंडिंग कोलोन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन, दिस इज डिसेंडिंग कोलोन। अब देखिए ये क्या है राइट साइड, ये क्या है लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या होता है राइट कोलिक फ्लेक्चर। अब देखिए राइट कोलिक फ्लेक्चर आपको यहाँ दिख रहा है तो क्या है बॉडी पे है क्या, नहीं ना, हेड नेक बॉडी टेल ऐसे होते हैं चार पार्ट, जबकि ये क्या है दिस इज लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। फ्रैक्चर क्या होते हैं एंगल्स या कर्वेचर, यहाँ से यहाँ गया तो एक कर्वेचर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ गया तो एक कर्वेचर यहाँ पे या एंगल यहाँ पे है, तो राइट नहीं आएगा, कौन सा आएगा लेफ्ट, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। मतलब ट्रांसवर्स कोलोन जैसे ही डिसेंडिंग कोलोन बनी तो यहाँ पे एक फ्लेक्चर होता है जिसे बोलते हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर या फिर स्प्लीनिक फ्लेक्चर। ओके तो बेसिकली नीचे ही तो होगा। देखिए ट्रांसवर्स कोलोन को आपको ट्रांसवर्स मीजो कोलोन के ऊपर रखना है, क्योंकि ट्रांसवर्स मीजो कोलोन ट्रांसवर्स कोलोन को एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पेंक्रियास से अटैच कराती है। ओके तो बेसिकली हो गया ना लाइट राइट लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, हमने बता दिया अभी आपको ट्रांसवर्स कोलोन टू डिसेंडिंग कोलोन एक एंगल होता है जिसे बोलते हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। तो हमने पूरी की पूरी थ्योरी का एक एक पॉइंट आपको इसी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। ओके तो दिस इज ऑल अबाउट बॉडी ऑफ पेंक्रियाज के रिलेशंस। देखिए ट्यूबर ओमेंटेल, इसके लिए आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है जो कि यहाँ पे हमने बता दी थी कि ट्यूबर ओमेंटेल, देखिए दिस इज ट्यूबर ओमेंटेल, इसके जस्ट ऊपर क्या होती है सीलियक ट्रंक, मतलब सीलियक ट्रंक का लैंडमार्क है। ओके कि ट्यूबर ओमेंटेल के जस्ट ऊपर आपको सीलियक ट्रंक मिलेगी। ओके तो ये हो गया, तो इसके लिए ओनली एक पॉइंट जो कि ये वाला है ओवर द ट्यूबर ओमेंटेल। उसके बाद आते हैं लास्ट एंड फाइनल टेल के रिलेशंस, टेल ऑफ पेंक्रियाज के रिलेशंस। तो देखिए ये इतने दम वाली बात नहीं है, ये एक ही पॉइंट में ख़त्म हो जाएंगे, इसी को भी इसी वीडियो में कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटा है। तो अब हम बात करेंगे टेल ऑफ पेंक्रियाज के रिलेशंस के ऊपर। ओके तो देखिए अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं आपसे पूरे के पूरे टेल ऑफ पेंक्रियाज के रिलेशंस के ऊपर। तो देखिए इस डायग्राम पे आते हैं, आपको टेल कहाँ दिख रही है स्प्लीन के अंदर, तो जो टेल ऑफ पेंक्रियाज है दिस इज लाइज इन लीनो रीनल लिगामेंट। ओके और आपको जब भी आप स्प्लीन एनाटॉमी पढ़ते हैं तो आपको स्प्लीन पे चार इंप्रेशन मिलते हैं, स्प्लीन की टू सरफेस होती है, एक होती है विसरल सरफेस, एक होती है डायफ्रेगमेटिक सरफेस। ओके तो डायफ्रेगमेटिक सरफेस ऑफ स्प्लीन तो एकदम स्मूथ होती है, लेकिन जो विसरल सरफेस होती है उस पर आपको चार इंप्रेशन मिलते हैं। चार इंप्रेशन कौन से आपको दिख रहा होगा, एक तो कौन सा होगा लेफ्ट किडनी का, एक किसका होगा टेल का, देखिए ना टेल ऑफ पेंक्रियाज में जा रही है तो टेल का होगा। उसके अलावा ये क्या है दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन, दिस इज डिसेंडिंग कोलोन एंड दिस इज असेंडिंग कोलोन, तो एक किसका होगा कोलोन का होगा, कॉमन सी बात है कोलोन का भी होगा, लेकिन कोलोन में यहाँ तक जा रही है तो टेल का भी होगा, टेल ऑफ पेंक्रियाज का, एक ट्रांसवर्स कोलोन का होगा, उसके अलावा एक होगा किसका किडनी का, लेफ्ट किडनी का, और इसके ऊपर जस्ट क्या होती है स्टमक। देखिए ना फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के पहले क्या होता है पाइलोरिक, पूरा का पूरा स्टमक होता है, तो एक होगा स्टमक का। तो चार चीज़ों के इंप्रेशन होते हैं स्प्लीन पे, स्टमक, लेफ्ट किडनी, टेल ऑफ पेंक्रियाज एंड ट्रांसवर्स कोलोन। ओके तो टेल के लिए टू पॉइंट्स कौन कौन से हुए, दिस इज लाइज इन लीनो रीनल लिगामेंट, देखिए स्प्लीन के लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ लेना, लाइज इन लीनो रीनल लिगामेंट नंबर थर्ड। सेकेंड पॉइंट क्या होगा दिस इज रिलेटेड, रिलेटेड टू विसरल, हमने बोला दो सरफेस होती है डायफ्रेगमेटिक एंड विसरल सरफेस ऑफ स्प्लीन, तो रिलेटेड टू विसरल सरफेस ऑफ स्प्लीन। ओके और बेसिकली जो इसका इंप्रेशन होता है स्प्लीन का, सॉरी टेलो पेनक्रियाज का, टेलो पेनक्रियाज का जो स्प्लीन पर इंप्रेशन होता है वो किसके बीच होता है, वो प्रेजेंट होता है बिटवीन हाइलम ऑफ स्प्लीन, हाइलम एंड कोलिक इंप्रेशन। तो देखिए हमने इसी के साथ साथ आपको पूरे के पूरी स्प्लीन के विसरल रिलेशंस भी बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्लीन, अगर आपको कुछ नहीं आता वाईवे में तो एग्जामिनर सीधा आपसे स्प्लीन पूछेगा। तो हमने इसी वीडियो के साथ साथ आपको स्प्लीन के पूरे विसरल रिलेशंस भी बता दिए, विसरल रिलेशंस कौन से, लेफ्ट किडनी का, टेल ऑफ पेंक्रियाज का, ट्रांसवर्स कोलोन आई मीन कोलिक इंप्रेशन एंड गैस्ट्रिक इंप्रेशन। ओके तो दीज आर द फोर विसरल रिलेशन ऑफ स्प्लीन, लेफ्ट किडनी, टेलो पेनक्रियाज, कोलिक एंड स्टमक यानी कि गैस्ट्रिक।
तो देखिए हमारे आप पूरा का पूरा पैनक्रियाज रिलेशंस पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको वीडियो में जो भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो वह हमें कमेंट में बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। एंड फाइनली इफ़ यू लाइक माय वर्क, जो भी मैं वीडियोज आपके लिए बनाता हूं वो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को डोनेट कर सकते हैं। तो देखिए डोनेशन के सारे डिटेल मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एंड फाइनली एक और बात कि अगर आपको ये पूरा चार्ट चाहिए, जितने भी मैंने स्क्रीन के पूरे चार्ट बनाए हैं यहाँ पे, ये पूरे चार्ट चाहिए तो आपको सारे के सारे चार्ट कहाँ मिलेंगे? हमारे फेसबुक पेज पर, TCML फेसबुक पेज पर, जिसका पूरा का पूरा डिटेल मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप देख लेना। एंड फाइनली देखिए हमारे पूरे रिलेशंस हो गए, हेड नेक बॉडी टेल। आपको ऐसा नहीं करना जैसा मैंने यहाँ कर रखा है कि बहुत सारे पेजेस के अंदर आप पूरे रिलेशंस देख रहे हों। आपको पूरे मटेरियल को, एक पेज ये वाला हो गया, एक पेज ये वाला हो गया, एक हो गया ये वाला। तो देखिए हेड नेक बॉडी टेल हेड का इसी के अंदर है, तो ये हेड का पूरा हो गया। उसके बाद हमारा नेक का कहाँ पे है, तो देखिए नेक वाले को भी आपको इसी के अंदर, मतलब आपको ऐसा एक कॉमन चार्ट बनाना है जिसके अंदर आपको हेड नेक बॉडी टेल, देखिए मैंने सारों का रिलेशंस इसी के अंदर सेटअप कर रखा है ओनली वन पेज के अंदर। तो आप भी ऐसा ही करना, आई होप आपके लिए बेनिफिट होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार इसको मतलब हर जगह शेयर कर दो। ये वीडियो हर मेडिकल कॉलेज में पहुंच जानी चाहिए, जो पैनक्रियाज एनाटॉमी की प्लेलिस्ट है वह हर मेडिकल कॉलेज में पहुंच जानी चाहिए, ये आप ही के ऊपर है। ओके बाय।